हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से दौलताबाद की थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो शुरू हुई थी दोस्तों 1951 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्यून सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा नालंदा। चीनी यात्री जो ह्यून सांग था जो कि हर्षवर्धन के समय पर भारत आया था, इसने जो है अध्ययन किया था किस विश्वविद्यालय का? नालंदा विश्वविद्यालय का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ओ। ओ नेगेटिव होता है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा ओ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है, एक वयस्क जो मनुष्य होता है उसके शरीर के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास मलेरिया। मादा इन्फ्लुएंजा जो है उस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। किसने किया था दोस्तों? टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की जो गति होती है वो होती है दोस्तों 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ये सबसे पहले किसने बताया? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है खगोलीय दूरी से। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे दोस्तों? खगोलीय दूरी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? स्वर्ण मंदिर जो है दोस्तों वो अमृतसर के अंदर है। जो गोल्डन टेंपल है उसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, जो कि पंजाब अमृतसर के अंदर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ पर है? चार मीनार कहाँ पर है दोस्तों? हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ पर है? कुतुब मीनार जो है दोस्तों वो है दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो स्थित है दोस्तों मुंबई के अंदर, और इंडिया गेट जो है वो नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिया गेट स्थित है, तो इंडिया गेट कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ताजमहल स्थित है, यानी ताजमहल कहाँ पर है दोस्तों? तो ताजमहल है आगरा के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर के अंदर। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो है दोस्तों वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? टीचर्स डे 5 सितंबर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस जो है दोस्तों वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस, मेजर
ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया है मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद जी जो थे उनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है 5 जून को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ये किया कब किया था दोस्तों? ये दिया था 1942 के अंदर, 1942 के अंदर दिया था जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद और दिल्ली चलो दोनों नारे जो है किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लोटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह जी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो ये दिया था मंगल पांडे ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्त्री प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास स्त्री प्रथा जो थी दोस्तों उसके अंत के लिए जो है सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो ये है राजा राम मोहन राय का। इन्होंने सती प्रथा के अंत के लिए काफ़ी योगदान किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राम किशन मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। राम किशन मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है दोस्तों? मोहनदास करमचंद गांधी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत रत्न। भारत रत्न जो है भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। फिल्म क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं? तो इसका करेक्ट आंसर है
परमवीर चक्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहली व्यक्ति थे, और ये कहाँ के थे? रूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहली भारतीय कौन है दोस्तों? राकेश शर्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था दोस्तों? आर्यभट्ट। और इसे कब छोड़ा गया था? 1975 के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये मैंने आपको पीछे बताया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यहाँ पे जो है इसका आंसर गलत दिया गया है, इसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन। आयोडीन की कमी से जो है घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है अग्नाशय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर है फुटबॉल। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? फुटबॉल से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सबसे बड़ा बांध जो है दोस्तों वो है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा क्या है? युआन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट जो है रेड क्रॉस के जो है संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? अनीमिया रोग हो जाता है हीमोग्लोबिन की कमी से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? यानी भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनानी शुरू की? यानी कुतुब मीनार किसने बनवाया, यानी इसकी नींव किसने रखी? उसके बाद इसे पूरा जो है वो और किसी ने करवाया था? तो सबसे पहले जो है कुतुब मीनार की नींव या फिर इसे शुरू किसने करवाया था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके बाद इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है शुरू कराने के बाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? चाणक्य कौटिल्य, जिसे चाणक्य या इसे कौटिल्य और इसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त के
जो है गुरु थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विवेकानंद स्मारक कहाँ है? विवेकानंद स्मारक जो है दोस्तों वो है कन्याकुमारी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास काठमांडू नेपाल के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षेश के कितने सदस्य देश के कितने देश सदस्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 8। इनमें से कौन सा है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 7,516। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व में अभ्रक यानी मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है अभ्रक का वो होता है भारत के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है दोस्तों वो बनाया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमें सक्करवी रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता दोस्तों? विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं होता, क्योंकि विटामिन सी जो है वो होता है खट्टे फलों के अंदर, और अगर खट्टे फलों को हम यानी खट्टा अगर दूध खट्टा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इसलिए जो है दूध के अंदर विटामिन सी नहीं होता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो आंवला के अंदर विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है दोस्तों? खून का थक्का जमना बंद हो जाता है, यानी अगर हमारी चोट लग जाती है तो हमारा खून रुक नहीं पाता, अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन के की कमी हो तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से जो है बांझपन रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा के अंदर जो है विटामिन ए और ई, ये दोनों जो है वसा के अंदर घुल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके अलावा जो भी विटामिन है वो पानी के अंदर घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl, NaCl। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस होती है दोस्तों, उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धवन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? यानी धोने वाला यानी कपड़े धोने वाला सोडा जो होता है, जिसे हम वॉशिंग पाउडर कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। और जो मीठा सोडा होता है जो हमें खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, या फिर जो बेकरी के अंदर इसे यूज किया जाता है, कुछ खाना खाने बनाने के लिए कहाँ कहाँ पे इसे यूज किया जाता है, ज़्यादातर जो है इसे बेकरी के अंदर यूज किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पित्तल किन
दो धातुओं का मिश्रण है। पीतल जो है दोस्तों वो तांबा और जिस्ते का मिश्रण है। किसका है दोस्तों? तांबे और जिस्ता का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैल्सीफिरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का नाम क्या है दोस्तों? कैल्सीफिरॉल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस अंग का दान किया जाता है? जब हम नेत्रदान करते हैं तो हमारे नेत्र का कौन सा अंग जो है दान में किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है कॉर्निया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन B12 के अंदर जो है कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? यानी रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर कहाँ बनते हैं? तो वो बनते हैं बोन मैरो के अंदर, अस्थ मज्जा के अंदर, या फिर इसे इंग्लिश में हम कहते हैं बोन मैरो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष जो है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये जो है विज्ञान दिवस, ये डॉक्टर CV रमन के याद के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस संयंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है दोस्तों? स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी जो है दोस्तों उसे रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1907। 1907 के अंदर जो है कांग्रेस गर्म दल और नरम दल दो भागों में बट गया था, और ये जो है अधिवेशन 1907 के अंदर कहाँ पर हुआ था? सूरत के अंदर, इसीलिए इसे सूरत अधिवेशन भी कहा जाता है। इसके बाद क्या हुआ था, दोनों दल 1916 के अंदर लखनऊ जो है एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे जो है दोनों वापस इकट्ठे हो गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तंजोर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा राजा राज प्रथम चोल ने जो है तंजावुर का जो है बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर, जिसे अनपढ़ जो है राजा भी कहा जाता है, इनका जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। कहाँ पर हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राजील में।